ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी वॉरशिप और सबमरीन्स को शिफ्ट कर दिया और इसी के साथ ही काला सागर में उन्होंने घातक हथियार पोसाइडन और दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन भेज दी है। पुतिन ने कदम तब उठाया है जब रूस के गढ़ में अमेरिका का जासूसी ड्रोन घुस गया है और इसी के बाद रूस और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लैक सी में रूस और नेटो के बीच महायुद्ध शुरू होने वाला है। रूस यूक्रेन युद्ध की आग समंदर की लहरों को जलाने वाली है। समंदर में सबसे बड़ा बारूदी संग्राम छिड़ने जा रहा है। रूस और नेटो एक दूसरे पर आघात करने वाले हैं। अमेरिका और रूस ब्लैक सी में जो कुछ कर रहे हैं वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि ब्लू जोन में एटमी आग भड़कने वाली है। इस आग में समंदर का खारा पानी खौलने वाला है। ब्लैक सी में रशियन नेवी की गतिविधियां बहुत तेज हैं। पुतिन के आदेश के बाद वहां मौजूद रूस की वॉरशिप और सबमरीन को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया है। ब्लैक सी में रूस नेटो पर अलग अलग दिशा से हमले करने वाला है। यही वजह है कि युद्धपोतों को कई स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया गया है। वॉरशिप को शिफ्ट करने के साथ ही पुतिन ने अपनी ब्लैक सी फ्लीट को आदेश दे दिया है कि वो ब्लैक सी में मौजूद दुश्मन के सभी डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करें ताकि महायुद्ध की स्थिति में दुश्मन सेनाएं बेमौत मरने पर मजबूर हो जाएं। पुतिन ने ब्लैक सी में परमाणु पोसाइडन और ज़िरकॉन मिसाइल तैनात करने का फैसला किया है। रूसी पनडुब्बी में घातक ज़िरकॉन मिसाइलें फिट कर दी गई हैं। रूसी नौसेना इसी मिसाइल से महातबाही लाने वाली है। ज़िरकॉन दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। रूस की यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यह मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। पुतिन ज़िरकॉन मिसाइल से महाप्रलय इसलिए लाएंगे क्योंकि अमेरिका बार बार ब्लैक सी में जासूसी और घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से अमेरिका का जासूसी ड्रोन हॉक ब्लैक सी पहुंच गया। वही ब्लैक सी जो रूस का अभेद्य किला माना जाता है, जहां सिर्फ पुतिन और उनकी नेवी का सिक्का चलता है। अमेरिका का ड्रोन रूसी ब्लैक सी फ्लीट की जासूसी कर रहा था। इसी बात से रूस बहुत भड़क गया। माना जा रहा है कि ब्लैक सी महायुद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। बुल्गारिया के रक्षा मंत्री टोडोर टागारेव ने भी इसी बात की आशंका जताई है। उनके मुताबिक ब्लैक सी में नेटो और रूस में बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है। काला सागर में रूस और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी भी वक्त एटमी जंग शुरू हो सकती है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि ब्लैक सी में पुतिन ने अब तक की सबसे बड़ी युद्धक तैयारी कर ली है। अगर जंग होगी तो पुतिन के एक्शन से नेटो दंग हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।